गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीत ब्यूटी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत टाइम के बाद एक रिव्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। काफी टाइम से मेरे चैनल पे आपने कोई रिव्यू वीडियो नहीं देखी है। पिछले दिनों में मैं काफी ज्यादा बिजी चल रही थी गाइज, इसलिए मैंने कोई भी रिव्यू वीडियो शूट नहीं की और आपके साथ शेयर नहीं की। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए गाइज, बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी रिव्यू वीडियो। वैसे आपको थंबनेल से और वीडियो के नाम से पता चल गया होगा कि किस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइज, ये है हमारा प्रोडक्ट जिसका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये है मैक्स स्ट्रॉब क्रीम हाइड्रेंट ल्यूमिनेक्स, ठीक है। 50 ml इसकी क्वांटिटी है और यहाँ से आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसे मैंने काफी ज्यादा यूज किया है। जैसे इस तरीके से हम इसे पकड़ के क्रीम वगैरह निकालते हैं तो यहाँ से ना ये मिट चुका है, रिमूव हो चुका है। हिंदी में क्या बोलेंगे, उतर चुका है, ठीक है। मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब है जैसे कि आपको पता ही है, इसलिए आप प्लीज इग्नोर करना मेरी ऐसी बातों को। तो गाइज, आज मैं इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। पहले तो आप इसे देख सकते हैं, ये है इस तरीके की एक ट्यूब जिसकी क्वांटिटी है 50 ml, ठीक है। और इस तरीके से आती है। इसका ऊपर वाला जो कवर था वो एक्चुअली कार्डबोर्ड का होता है, जो वो मैंने फेंक दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ कभी शेयर करूंगी, क्योंकि उस टाइम मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था जब मैंने इसे बाय किया था, ठीक है। काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ। और इसके अगर शेड्स की बात की जाए तो इसमें काफी सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे। जो शेड मैंने बाय किया है ये है पिंक लाइट। अगर आपको इसमें कोई और शेड चाहिए तो इसमें टोटल 4 शेड आते हैं। ये है पिंक लाइट, इसके अलावा आते हैं पीच लाइट, सिल्वर लाइट और गोल्ड लाइट, ठीक है। 4 शेड्स आते हैं, मैंने पिंक लाइट लिया है। और काफी अच्छी ये स्ट्रॉब क्रीम है, इसे आप एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइजर तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस एज अ ब्लश भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके भी इसे यूज कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपके फाउंडेशन में हल्का सा शिमर ऐड हो जाएगा। शिमर का मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा शिमर है या ये बहुत ज्यादा ग्लिटरी है, लेकिन हल्का सा, हल्की सी जो शाइन होती है, नेचुरल ग्लो होती है, वो इसके साथ आपके फाउंडेशन में ऐड हो जाएगी। तो चलिए इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं आपको इसका शेड दिखा देती हूँ, ठीक है। इसे हम बंद करके रख देते हैं साइड पे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से है, जैसे मॉइस्चराइजर होते हैं वैसे ही है ये। इसे हम ब्लेंड करते हैं, ये देखिए हल्का सा पिंक शेड आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। इस तरीके से आप इसे अपने फेस पे एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं और ये जो शाइन है ये आपको आपके फेस पर मिलेगी। हल्की सी पिंक शाइन है इसमें क्योंकि मैंने पिंक लाइट लिया है। अगर आप पीच लाइट लोगे तो उसमें हल्की सी पीच कलर की शाइन आपको मिलेगी। गोल्ड और सिल्वर भी आप ले सकते हैं, मैंने लेकिन पिंक लिया है क्योंकि मुझे पिंक कलर के हाइलाइटर वगैरह बहुत पसंद है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अगर गाइज आपको इसे एज अ ब्लश यूज करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसे एज अ ब्लश यूज करने के लिए आप कोई भी लिपस्टिक ले लीजिए, उसे आपने जैसे अपने चीक्स पे अप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद आपको ऐसे थोड़ी सी स्ट्रॉब क्रीम ले लेनी है और इसे अच्छे से स्ट्रॉब क्रीम को लिपस्टिक के अंदर मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये बन गया आपका ब्लश। आप इसे चीक्स पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हैंड पे बना रहे हो, अदरवाइज आप अपनी डायरेक्ट चीक्स पे भी इसे लगा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ब्लश बन चुका है ये, ठीक है। कितना प्यारा कलर है, ठीक है। जिस कलर का आपको ब्लश चाहिए आप उसी कलर की लिपस्टिक ऐड कीजिए और ब्लश लगा लीजिए, पिंक, पीच, जो भी आपका फेवरेट है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। और गाइज, अगर आपको अपने फाउंडेशन में ग्लो चाहिए तो आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है फाउंडेशन। फाउंडेशन का हम एक ड्रॉप ले लेंगे अपने हैंड की बैक पर, ठीक है। मैं सिर्फ इतना सा ही ले रही हूँ क्योंकि ये डबल वेयर फाउंडेशन है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा कवरेज देता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्ट्रॉब क्रीम, ठीक है, और हम इसे मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। इसके साथ आपके फाउंडेशन में शिमर ऐड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम ब्लेंड भी कर ही लेते हैं,
देखिए अपने फाउंडेशन में हल्का सा पिंक कलर का टिंट आ चुका है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो देखिए ठीक है, अगर आपको अपने फाउंडेशन में मतलब गोल्ड टिंट चाहिए यहाँ पे, तो आप गोल्ड लाइट या सिल्वर लाइट, अगर आपको सिल्वर टिंट चाहिए आप ले सकती हैं। मुझे लेकिन पिंक बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने पूरा फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया। देखिए इस हैंड पे कोई शाइन नहीं है और इस हैंड को देखिए इसमें पिंक टच आ गया है, ठीक है। और इसी के साथ गाइज, अगर आपको डेली में मेकअप करना नहीं पसंद है, जहाँ कई बार होता है कि हमें कहीं जाना है, मार्केट वगैरह, हम ज़्यादा मेकअप करके नहीं जा सकते, जहाँ टाइम भी नहीं होता, तो आप डायरेक्ट इस स्ट्रोब क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। उसके साथ आप आईलाइनर या काजल जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए और हल्की सी लिपस्टिक लगाइए और आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। मतलब इस स्ट्रोब क्रीम के बहुत सारे फायदे हैं आपको, बहुत ही अच्छी स्ट्रोब क्रीम है गाइज ये। और गाइज अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो मैंने ये 3200 में ली थी, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है वो हो गया है 3400। जो पिंक लाइट है, पिंक लाइट शेड का प्राइस अभी 3400 है, लेकिन अगर आप सिल्वर लाइट, गोल्ड लाइट या पीच लाइट लेते हो तो आपको वो 3200 में ही मिलेगी, लेकिन ये पिंक लाइट शेड जो है ये आपको 3400 में मिलेगा। गाइज अगर आप इस स्ट्रॉप क्रीम को बाय करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय कीजिए। और इसी के साथ गाइज मैं आपके साथ इसका आज एक ड्यूप भी शेयर कर देती हूँ। कई बार होता है कि हमारा बजट इतना नहीं होता, तो कम बजट में भी आप ऐसे ही एक स्ट्रॉप क्रीम यूज कर सकते हैं। वो कौन सी है वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली है और काम सेम ही करेगा। मतलब जो ये काम करता है वो प्रोडक्ट भी वही काम करेगा और आपको पैसे भी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए शेयर करती हूँ, इसे करते हैं साइड पे। तो ये है गाइस वो प्रोडक्ट जो कि है कलर बार का स्पॉट लाइट एलिमिनेटिंग लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स 30 ml क्वांटिटी। इसका भी प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये हमें रिसीव होता है। ये देखिए इस तरीके के कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में हमें ये मिलता है और ये है लोशन, ठीक है। इसका नाम इन्होंने रखा है स्ट्रॉप क्रीम और इसका नाम है स्पॉटलाइट एलिमिनेटिंग लोशन। प्रोडक्ट ये सेम ही है, दोनों सेम वर्क करते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ शेड, ठीक है। ये देखिए ये देखिए गाइस सेम है बिल्कुल। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं पिंक कलर का शिमर है, ठीक है। और इसे भी आप बिल्कुल जैसे आप मैक की स्ट्रॉप क्रीम को एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको अपने फाउंडेशन में हल्का सा पिंक कलर का टिंट चाहिए आप इसे यूज कर सकते हो, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। मतलब सेम वर्क करते हैं ये दोनों, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्लो भी देख सकते हैं, पिंक कलर का जो इसके अंदर ग्लो है, टिंट है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और गाइस इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस ये रहा, 950 रुपीज में आपको 30 ml क्वांटिटी मिल रही है। ये मुझे 3200 में मिला था, लेकिन अगर आप अभी इसे बाय करोगे तो 3400 में आपको सिर्फ 50 ml मिलेगा, ठीक है। प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन जो वर्क है दोनों सेम करते हैं। अगर आप मैक में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप कलर बार ट्राई कर सकते हैं, दोनों का सेम काम है, सेम तरीके से आप दोनों को यूज कर सकते हैं। और मुझे तो पर्सनली दोनों बहुत पसंद है। एक्चुअली गाइस मैंने इससे पहले ये लिया था, ठीक है। मैं मॉल में गई थी कलर बार के स्टोर पे, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये दिखाया था, मैंने इसे यूज़ किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने इसका सुना, मतलब मुझे पता चला कि ये बहुत हाइप में है, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसे भी बाय कर लेती हूँ, तो मैंने तो ये भी बाय कर लिया। मेरे पास तो दोनों हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप इसे बाय कर लीजिए, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसे बाय कर लीजिए। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और गाइस इसी के साथ ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपके साथ मैक की स्ट्रॉप क्रीम का रिव्यू शेयर किया और उसी के साथ मैंने इसका ड्यूप भी आपके साथ शेयर किया। अब आपकी चॉइस है आपको कौन सी स्ट्रॉप क्रीम बाय करनी है, ठीक है। मतलब इसका नाम स्ट्रॉप क्रीम है और इसका एलिमिनेटिंग लोशन है और काम दोनों का सेम ही है। तो चलिए गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।